जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में निकली भर्ती के बारे में। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। और यहाँ पर MTS की वैकेंसी निकाली गई है, LDC की वैकेंसी निकाली गई है और ड्राइवर की एंड वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस जनवरी 2021 आया है दोस्तों, और यहाँ पर लास्ट डेट जो होने वाला है एप्लीकेशन का वो है 28 फरवरी 2021। तो 28 फरवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आखिरी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए वैकेंसी किस प्रकार आई है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि ये हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसीलिए हॉस्पिटल मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पर देखिए HMTS डायट्री के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है, सैनिटेशन के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है और जनरल ऑदर्स के लिए 15 वैकेंसी है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, ये ग्रुप सी के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए ड्राइवर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी जो कि अनरिज्यूम में आई है। नेक्स्ट देखिए जूनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिक जो कि ग्रुप सी में आता है, इसकी भी एक वैकेंसी आई है। और लोअर डिविजनल क्लर्क की देखो दोस्तों, तो इसमें 4 वैकेंसीज आई है। इस प्रकार यहाँ पर वैकेंसी आई है। और एक्सरे टेक्नीशियन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी यहाँ पर वैकेंसीज आई है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो www.nitrd.nic.in ये है, तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले MTS की देखेंगे। तो MTS की सिंपल यहाँ पर 10th पास आपका मांगा गया है, तो देखिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10th पास आपका यहाँ पर होना चाहिए MTS के लिए। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 25 ईयर रखा गया है। और ये एज कैलकुलेशन का जो डेट है दोस्तों, वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि 28 फरवरी तक आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल या फिर EWS से बिलोंग करते हो तो, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये MTS का क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में देखिए ड्राइवर के लिए भी 10th ही मांगा है, तो प्लस यहाँ पर डिजायरेबल ये मांगा गया है कि अगर आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी का नॉलेज है एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है एंड एटलीस्ट 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है आपको ड्राइवर का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर रखा गया ड्राइवर के लिए। आगे देखिए जूनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास वायरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, विद 3 ईयर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन का, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक रखा गया है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको 35 ईयर तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10th पास ही मांगा है LDC के लिए। और प्लस यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी या फिर इंग्लिश, तो ये दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगा यहाँ पर, सिर्फ टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी देखिए यहाँ पर BA या फिर BCOM BSc होना चाहिए, प्लस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर रखा गया। और ये LDC की पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखा गया, तो ये LDC के लिए 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वैकेंसी आई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है दोस्तों, वो यहाँ पर रखी गई है 50 रुपीज़। तो देखिए जो भी ग्रुप सी की पोस्ट है यानी कि MTS या फिर जो LDC या फिर ड्राइवर की जो पोस्ट है, उनके लिए 50 रुपये यहाँ पर रखा गया है एप्लीकेशन फीस। और ये आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, DD बनवाना है आपको दोस्तों, और DD जो आपको बनवाना है ये डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ के नाम पे बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। और ये DD एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी है, सभी आपको एक एनवेलप में क्लोज करके ये जो एड्रेस दिया गया है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ श्री औरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली 11030, ये एड्रेस पर आपको भेज देना है दोस्तों, जो लास्ट डेट दिया गया 28 फरवरी उससे पहले। तो सिलेबस एंड एडमिट कार्ड के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई दोस्तों, उसे आपको रेफर करना होगा। तो आइए एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिल करके जो एड्रेस मैंने बताया उस पर आपको भेजना है। और यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो पेश करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप नाम लिखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का, और यहाँ पर आप ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखोगे।
और फादर का नाम यहाँ पर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है दोस्तों यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद में एड्रेस वगैरह डालना होगा आपको, फिर क्वालिफिकेशन डालना होगा। तो अगर आपने टेंथ किया है तो यहाँ पर पहले टेंथ का डालोगे, उसके बाद में अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो ट्वेल्थ का भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस प्रकार ये डाल के आपको, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये सब डिटेल्स आपको फिल करके दोस्तों जो एड्रेस मैंने बताया वहाँ पर आपको भेज देना है। तो इस प्रकार ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।